हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो तो काफ़ी सारी बड़ी थी, आगे का था, पर मैं कट कर दी क्योंकि नेट की दिक्कत हो रही है, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, इसलिए कल मैं किसी की वीडियो भी नहीं देख पाई, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। इसी वजह से आज का वीडियो स्टार्ट किया था, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था वीडियो। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मिर्ची ली है, पालक लिया है, मिर्ची को धो के लेके आती हूँ अच्छे से, और पालक को प्लेट पे रख लिया है क्योंकि इसे भी साफ़ करूँगी। इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। यहाँ पे मिर्ची की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, यहाँ पे देखिएगा कैसे बनाती हूँ। और मिर्च और डंठल वगैरह जो थैली पर रख ले रही हूँ, ये देखिए इस तरह से काट रही हूँ। फिर मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसे मत काटो, गोल गोल काटो, तो उस तरह से गोल गोल काट लेती हूँ। कैसे भी काटो, मिर्ची तो मिर्ची है, जैसे मर्जी कर लो। और ये देखिए इस तरीका से काट ली है मैं मिर्ची, और प्याज वगैरह भी ले लेती हूँ। देखिए कितनी आलस कर रही हूँ मैं, खिसक खिसक के प्याज वगैरह ले लेती हूँ। और मिर्ची काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। प्लीज़ आपका, आप लोगों का सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और आप किसी को, किसी की मेहनत को आगे बढ़ावा देते हैं तो अच्छा लगता है एक। और यहाँ मैंने 3-4 प्याज लिए हैं, और ये देखिए मिर्ची ली है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं ये लिए। और बच्चे सब हैं, इनसे ही बातें करती जा रही हूँ, ये देखिए। और कल या परसों एक कमेंट आया था, नीलम नाम है उनका, बोल रही थी अपनी वीडियो में मेरा नाम लेना। तो नीलम जी, मैंने आपका नाम ले लिया है, और किसी का भूल गई हूँ तो माँ। पैसे तो हर कमेंट आता है, मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, भूल जाऊँ तो उसके लिए ज़्यादा वो नहीं है, पर मैं जहाँ तक हो सकता वहाँ तक याद रखती हूँ। ये देखिए बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए। और बस इनको ले जाके, ये देखिए ये नहीं मानेंगे। और यहाँ पे लेके आ गई थाली, क्योंकि उसमें पालक साफ़ अच्छे से होता नहीं। पालक ना 2-3 दिन का हो गया, तो इसको साफ़ करना पड़ जाए, नहीं साफ़ करूँगी तो ख़राब हो जाएगा। और पालक की रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिर्ची प्याज जो कि मैंने 3-4 प्याज लिए, तो वो काट के रख लिए हैं, और पालक को साफ़ कर लेती हूँ। इतने में मेरा फ़ोन आ जाता है, फ़ोन पे बात करने लग जाती है, और ये पालक रह जाता है। तो चलिए ये पालक को साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर रह जाएगा, फिर आलस रह जाएगा बहुत ज़्यादा। पता है वीडियो में बहुत कुछ बातें हैं जो करना चाहती हूँ, पर वीडियो कहते नहीं, लिमिट के अनुसार होती है वीडियो। तो देखिए यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची मैंने इस तरह से काट ली, ये देखिए। और ये रिफाइंड मैंने कढ़ाई में दे दिया, ये देखिए। और इसमें ये प्याज डाल दूंगी, ये देखिए। इसको भुजने दे, भुजने के लिए छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो वही कह रही थी, बहुत सारी बातें हैं, पर कहते नहीं लिमिट ख़त्म हो जाती है, पर बातें ख़त्म नहीं होती हैं। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, पर यहाँ पे मैंने इसमें प्याज में सौंफ डाल दी थी, और आपने देखा प्याज मैंने ज़्यादा नहीं भूंजा है, क्योंकि मिर्ची को भी भूंजना है, तो थोड़ा सा ही भूंजा है मैंने, और सौंफ से तड़का लगाया, आप लोगों ने देखा ही है। और यहाँ पे मैं सारे मसाले ऐड कर दे रही हूँ, इसमें गीले करके मसाले नहीं डालते हैं। तो ये देखिए मिर्ची आपके अनुसार है, मिर्ची डालो या नहीं डालो आपके ऊपर डिपेंड है। हल्दी मिर्ची यही डाला, प्याज मैंने ज़रा सा ही भूंजा है। ये पूड़ी पराठों से बहुत टेस्टी लगती है, और ये तीखी नहीं होंगी मिर्ची, क्योंकि इसमें मैंने अमचूर वगैरह डालूंगी, और हल्दी से तीखापन निकल जाएगी। देखिए 2-3 मिनट रखने के बाद देखिए ऐसा कलर हो गया। अब इसमें डालेंगे अमचूर, और वीडियो के मैंने स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि काफ़ी सारी तो नहीं, मेरी 10 मिनट की या 12-11 मिनट की वीडियो होती है, पर मेरे लिए तो बड़ी होती है। तो ये देखिए मैंने अमचूर डाल दिया, थोड़ी देर के लिए और ढक देती हूँ, और बीच बीच में मेरी, ये देखिए बीच बीच में सब्जी को, कोई सी भी सब्जी हो, क्योंकि देखना होता है, पर हम लोग तो पूरा नहीं दिखाते, कट कर करके दिखाते, तो इस वजह से मेरी सब्जी देखिए बन चुकी है। मैं इसे आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए। और तेल छोड़ दिया, और ये किसी से भी खाइए, बहुत अच्छी लगती, पर बच्चे नहीं खा सकते, बच्चों के लिए कुछ और बनाऊँगी। और इधर गैस कर दिए बंद, और इसे ढक दिया, और इधर लिया मैंने आटा। और ये बच्चे नहीं खा सकते, पर बच्चे भी इतनी तीखी नहीं होती है, अमचूर से तीखापन निकल जाता है, पर तब भी नहीं खाएंगे, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए आटा लिया है, उसमें अजवाइन नमक डाला है, ये देखिए। और ये मेरी रात की सब्जी पची थी, टमाटर आलू, इसमें इसको गूंद के, मटर वगैरह सारे मसाले डाल के, और इसको अच्छे से गूंद लूँगी, और इसकी बनाऊँगी पूड़ियाँ बनाऊँगी, और पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने, क्योंकि अच्छे से खसखसी खसखसी बने। तो बस इसको गूंद लेती, और
बनाना स्टार्ट कर लूँगी और टाइट आटा गूंदना है, काफ़ी ज़्यादा टाइट जो अच्छे से बिल जाए। पर मेरा थोड़ा सा ढीला हो गया था आटा, पर आप लोगों से बोलूँगी टाइट आटा गूंदिएगा, कोई भी सब्जी बचे तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। तो मेरा आटा गूंद गया है, वीडियो बता रही हूँ स्पीड दे दिए क्योंकि मेरे लिए बड़ी हो जाती फिर मैं और लोगों की वीडियो नहीं देख पाती इसलिए। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूड़ियाँ, ये देखिए सब्जी वाली पूड़ियाँ जो आटा में डाल के गूंदा था, इस तरह से गूंद बेल बेल के रख लूँगी। ये देखिए मटर वगैरह सारी इसमें दिख रही है। ये देखिए आप लोग भी सब्जी बच जाए तो ऐसे ही यूज में लीजिए और बहुत अच्छा रहता है यूज़ में लेना। और प्लीज़ कढ़ाई को इग्नोर कर दीजिएगा, ये बहुत पुरानी कढ़ाई है, मैं जल्द से जल्द नई कढ़ाई लूँगी। बहुत पुरानी कढ़ाई है ये, छोटी सी, पर उस वाली में मैंने सब्जी बनाई थी, इस वाली में ये बना ली हूँ तो वो भरी हुई थी इसलिए उसमें सब्जी थी इसलिए इसमें बना रही हूँ। प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा कढ़ाई। और ये देखिए कितनी करारी करारी पूड़ी है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। बनाता है सभी बनाते हैं ना, क्योंकि जो मैं जिसी के ऊपर बनाती हूँ, जिसे मैं जानती हूँ, रश्मि दी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मेरे ख्याल से बहुत पीछे से गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी, है ना, तो प्लीज़ वो तो आती रहेगी। तो और सारे, मुझे तो लगता है सभी लोग उनको इतना प्यार करते हो, उतना ज़्यादा प्यार करते हो, उनको ऐसा कोई नहीं जो प्यार नहीं करता, वो है ही ऐसी। तो इसमें हम लोग क्या कसूर है, इसमें हमारी क्या गलती है बताइए। तो ये बताइए आप लोग, मैं वो नहीं कहूँगी। और हाँ, हैप्पी बर्थडे रश्मि दी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा खुश रहो। और बस ये कहना चाहूँ, कुछ लोग पता नहीं क्या एक ही कमेंट रोज़ रोज़, कुछ लोग एक ही कमेंट रोज़ रोज़ व्यूवर्स के लिए, ये है ड्रामा करती हो, ये करती हो, बंद कर दो ये वो, परेशान हो गई। मैं सोच रही नहीं कहूँ नहीं कहूँ, पर आप लोग बताइए कितना इग्नोर करो, कब से इग्नोर ही तो करते आ रहे यार, ये बताइए कितना इग्नोर किया जाए, इग्नोर की भी हद होती है। और फिर कुछ यूट्यूबर, पता नहीं मैं कन्फर्म नहीं हूँ, पता नहीं कौन लोग उस कमेंट को लाइक कर देते हैं, उस कमेंट को लाइक कर देते, मतलब जिसके नफरत छुपी होती ना वो दिख जाती है, तो कुछ लोग उस कमेंट को लाइक कर देते तब बड़ा गुस्सा आता है, तब ये बात रखनी पड़ जाती है। नहीं कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो अपने वैड कमेंट को लेके आए वीडियो में, ठीक है ये। और रश्मि दी के व्यूवर्स इतने, जितनी रश्मि दी प्यारी है ना उनके व्यूवर्स भी उतने प्यारे हैं, वो हर किसी को सपोर्ट करते हैं। और मैं यहाँ यही कहूँगी प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ जैसे कि आप लोग बताए। और हर एक यूट्यूबर मेहनत करता है, हर एक यूट्यूबर एक वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और ब्लॉग में तो बहुत छोटी छोटी वीडियो बना के उनको फिर एडिट करना पड़ता है, क्या डालना है क्या नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो यूट्यूबर है वो समझ सकते हैं, कुछ लोग आएंगे और कमेंट करके चलते बन जाएंगे। आप रश्मि दी के व्यूवर्स तो नहीं हो, ये मुझे 100% पता है, क्योंकि रश्मि दी बहुत क्यूट है, उनके मैं कमेंट पढ़ती हूँ जाके। और ये बात मेरी अगर सही हो तो कमेंट करके बताइएगा, उनके कमेंट इतने अच्छे अच्छे होते, कल वो लाइव भी आई, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे, दिल खुश हो रहा था। तो बस यही कहूँगी प्लीज़ आप लोग ऐसे मत करिए कि ऐसा है नकल का, ये है वो है, ऐसे मत कीजिए प्लीज़ गाइज प्लीज़। यहाँ हम मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और ऐसे क्या हम लोगों को आगे बढ़ने का, ये बताओ, छोटे यूट्यूबरों को आगे बढ़ने का हक नहीं है, आप लोग बताइए। हम लोग मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं ना, हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं। और रश्मि दी की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, रश्मि दी सबसे अलग है, सबसे, और सबसे सबसे क्यूट है, सबसे अलग है, सभी अलग है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है ना, सब अलग अलग हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। और रश्मि दी तो फिर बात ही उनकी कुछ और है, वो इतनी क्यूट हैं, उनको इतने प्यार करने वाले हैं। तो पर ये बात तो फिर से भी फिर कहना चाहूँगी, उनके व्यूवर्स ऐसा नहीं करेंगे, उनके व्यूवर्स मेरे पास रोज़ उनके कमेंट आते, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते, वो बोलते दी रश्मि दी ऐसी नहीं है, दी रश्मि दी ऐसी नहीं, वो वाली वीडियो बनाई तो उस पर ऐसे ही कमेंट आ रहे थे। तो उनके व्यूवर्स तो आप हो नहीं, तो यहाँ पे मैं बार बार वही बात नहीं बोलूँगी, नहीं आप बोलो बार बार वही बात बोलूँ, जो भी मुझे बोला गया टाइटल में मैंने लिख दिया, पता है वही कमेंट आता रहता है, कमेंट आता रहता है, और फिर उस पर लाइक मिल जाए तो थोड़ा सा ना गुस्सा आता है। ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आपको किसी को परेशान करने में आपको क्या मिल रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें करने दीजिए प्लीज़। और ऐसे मत परेशान कीजिए प्लीज़, किसी को मत कीजिए, मैं हुई या रश्मि दी हुई या कोई भी बड़ा यूट्यूबर हुआ, किसी को मत करो, क्योंकि मुझे पता है रश्मि दी को इतने चाहने वाले एक, उनको भी कुछ लोग परेशान कर देते हैं, उनकी जो लोग उनको फॉलो करते हैं ना उनको सबको पता है, तो किसी को भी। और वो उनके व्यूवर्स इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट हैं, मेरे पास क्यों, अब आप लोग बोलो आपको कैसे पता, क्योंकि
मैं उनके कमेंट पढ़ती हूँ, उनके कमेंट सभी पढ़ते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं ना, कुछ कहने की नहीं। ये वीडियो अपलोड करूँगी ना तभी आने शुरू हो जाएंगे कमेंट, एक दो लोग, और वैसे तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए, एक दो लोग हैं जो वही कमेंट फिर से करेंगे फिर से। तो प्लीज़ आपको परेशान करने में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, किसी को ऐसे मत खींचिए, कोई मेहनत कर रहा है आप उसको ऐसे, आपके कमेंट पढ़ के पता है बड़ा मन दुख जाता है, ऐसे लगता है मेहनत नहीं करें छोड़ दें, और फिर आप बोलते छोड़ दो बंद कर दो, ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो छोड़ दो बंद कर दो, इस लाइक नहीं हुई, ये है वो है, ऐसे मत बोलो। तो बस यही कहना चाहूँगी, और गाइस प्लीज़ मैं कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मत बोला करो कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, कुछ लोगों का रह जाता तो प्लीज़ थोड़ी सी बात समझिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, मेरी बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है तो आप लोग बोलते हो रिप्लाई नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, बस यही कहना चाहूँगी। और रश्मि दी फिर से हैप्पी बर्थडे, आपको ऐसा कोई नहीं है जो आपको चाहता ना हो, आपको सब बहुत प्यार करते हैं, और रश्मि दी पता नहीं इतनी बड़ी यूट्यूबर है, मैं रश्मि दी से फ़ोन पे बात करना चाहती हूँ, पता नहीं इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं करना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी, पर वो करती हैं, उनमें बिल्कुल भी एटीट्यूड उनमें बिल्कुल भी वो नहीं है, मैंने देखा वो बहुत सारे लोगों से जो उनको पसंद करते हैं बात करना चाहते हैं उनसे वो बात करती हैं। तो प्लीज़ रश्मि दी ये वीडियो आपको मिले तो प्लीज़ एक बार कॉल करिएगा, एक बार मुझे आपसे बात करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए गाइस यही कहती, सॉरी अब मैं वीडियो को करती हूँ एंड, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोग बोलेंगे दी आप इग्नोर करो, गाइस इग्नोर ही कर रही हूँ, वो बहुत बार आए जा रहा है तो फिर बहुत बुरा लगता है। सभी यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर पे वीडियो बनाते हैं क्योंकि हम लोग उनको पसंद करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, क्योंकि हम मम्मी पापा से, टीचर से, सब बड़ों से ही सीखते हैं ना, तो वैसे ही यूट्यूबर होते हैं बड़े बड़े, हम उनसे ही तो सीखते हैं, एक दूसरे को देख के ही तो हम लोग यूट्यूब पर कैसे आए, खुद से थोड़ा आते हैं। एक दो को मैं रश्मि दी बहुत सारे यूट्यूबर को देखती थी तब आए, तो एक दूसरे को देख के ही तो आते हैं, और बिना सीखे तो कोई नहीं सीखता ना, सब हम एक दूसरे को देख के आते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, बिना सीखे नहीं आता है। तो बस यही है, ऐसे मत करिए। तो थोड़ा सा इतने दिन से नहीं कह रही थी मन में बात, मन में फिर वो कल एक और फिर आ गया कमेंट, तो फिर यहाँ पे मुझे बहुत वो लगा, तो इसलिए बात मुझे रखनी पड़ी आप लोगों के सामने। तो बस यही है, एक दूसरे से ही सीखते हैं, कोई किसी की नकल नहीं करता, कोई किसी का कुछ नहीं करता, कोई करना भी चाहे नकल तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी शक्लें अलग होती, सबका सब कुछ अलग होता, कोई किसी की नकल नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो बस यही है, हाँ सीखते एक दूसरे से, हम कोई गलती कर रहे हो अरे वो इंसान ऐसा कर रहा है, नहीं ऐसे करना चाहिए, और आप लोग भी बोलते हो दी आप ऐसे मत करो, वो उनसे सीखो कुछ, आप लोग भी बोलते हो ना कि दी उनसे ये बात सीखो, बोलते हो कि नहीं बोलते। तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, मम्मी पापा से, भाई बहन से, एक दूसरे से ही सीखने से आता है, बिना सीखे तो नहीं आ सकता ना। तो बस प्लीज़ ऐसा मत करिए प्लीज़, और मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करिएगा, जब भी मैं आगे बढ़ पाऊँगी।